सरकार ने अपने पैसे से, और हम इसमें इस साल 200 करोड़ रुपया हमने निर्धारित किया है कि कैश ट्रांसफर हम करेंगे उस परिवार के लिए जो गरीब है और जिसको 600 रुपए में कम से कम उसकी दाल, उसका चावल और उसका गेहूं जरूर उसको मिल सकता है। लोगों का परिवार वो अच्छी तरह से हो सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि 600 रुपए में 5 लोगों का जीवन यापन आसानी से हो सकता है। तो ये मैंने कहा ना, मंदी नहीं है, ये आर्थिक नाकेबंदी है। पहले तो मंदी में डाला देश को, अब मंदी के बाद जो है वो आर्थिक नाकेबंदी। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने दिल्ली की गरीब जनता के साथ मजाक किया है। जिन परिवारों को इन्होंने आइडेंटिफाइड किया है उनको 600 रुपए में बहुत महंगा मिलेगा, इसलिए मैं समझता हूँ इस योजना में सिर्फ 600 रुपए कैश बांटने की बात है। इसमें किसी प्रकार से भी गरीब आदमी का गुजारा नहीं हो सकता, 600 रुपए में गुजारा नहीं हो सकता। चुनाव से पहले ये सिर्फ योजना इसलिए लाई गई है ताकि वोटों को लुभाया जा सके। ये बयान मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस पे रोया जाए या दुखी हुआ जाए या हंसा जाए, क्योंकि उनको इतनी समझ नहीं है कि दिल्ली जैसे शहर में एक आदमी 4 रुपए में दाल रोटी नहीं खा सकता। वो मुख्यमंत्री हैं और उनकी भाषा ऐसी है, ऐसा लग रहा है जैसे वो एहसान कर रहे हों। उन्होंने भिखारी समझ रखा है दिल्ली की जनता को।